मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे हमारी मांगे लेके रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मास स्टेशन है आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि सरकार के साथ जो हमारी कमिटमेंट हुई थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं की है। हम डोर टू डोर मंत्रियों के पास जाते रहे, ब्यूरोक्रेट अफसरों के पास जाते रहे, लेकिन आज तक मिला तो हमें झूठा आश्वासन। पिछले दिनों में हम एक्स फाइनेंस मिनिस्टर द्राबू साहब के साथ मिले थे और उन्होंने माना था कि जो आपकी डिमांड है जेन्युइन है, हम इसको दो किस्तों में देंगे, लेकिन वो मंत्री साहब रिज़ाइन कर गए। द्राबू साहब रिज़ाइन कर गए इसका ये मतलब तो नहीं है वो खजाना साथ ले गए, खजाना तो इधर ही है। उसके बाद हम नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिले तो उन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं ली। हमारी सरकार से यही मांग है जो हमारी पेंटी लाइबिलिटी है जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग कोला अफेक्ट फ्राम 1999 एंड सिक्स पे कमीशन एरियर अफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2006 एंड पेंशन बेनिफिट, सरकार से हमें ये मांग है कि जो हमारी पेंटी लाइबिलिटी है विद इन डेज तक क्लियर की जाए। अगर भाई ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर आपने काफ़ी दिन से ये प्रोटेस्ट करे लेकिन कोई स्ट्रांग एक्शन आप नहीं ले रहे हो। हाँ, 8 साल हो गए मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ और इस 8 साल के स्ट्रगल के दौरान भी हमारे 38 VRS एम्प्लाइज की डेथ हो गई जो कि सीधी सीधी हमारी सरकार पर, लेकिन इस 8 साल के दौरान सरकार ने हमें 50% पेमेंट दी है और 50% बैलेंस है जिसका अमाउंट है 16 करोड़ कुछ वगैरह, और सरकार ने ये माना हुआ है। लेकिन जैसे हम हमारे मतलब मसले को टाल बटाल किया जाता है, अगर भाई नहीं होगा तो हमारे को ऐसा कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा।